नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिना नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा वो हो नहीं सकता। आज ईद के पवित्र मौके पर देश के तमाम मेरे भाइयों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा दुखद है। आज खुशियों के भरे माहौल में एक ऐसी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आया कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वीडियो जरा देखिएगा और उस थोड़े से ध्यान से और संयमित होकर देखिएगा, ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। सबसे पहले तो मैं विनय दुबे जी को दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरी बहन की हड्डी निकल गई है पैर की, उसको ठीक करवाना है, इलाज करवाइए। आप ही एक जो मेरी बहन की मदद कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। धन्यवाद। एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी जिंदगी और मौत का फासला तय कर रही है। इस बच्ची के पैर की हड्डियां बढ़ते जा रही हैं। हालात ये हैं कि वो पैर की चमड़ी फाड़ कर बाहर आ चुकी है और इसका परिवार इस ऑपरेशन के लिए सक्षम नहीं है। सरकारी अस्पतालों में दस्तावेज और कोरोना के पेशेंट की भरमार होने की वजह से वहां पे इसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले कई दिनों से मैंने कोशिश की कुछ चुनिंदा देश के और खास तौर पे भारत के, मुंबई के अंदर जो बड़े अस्पताल हैं उन्होंने इस केस को लेने के लिए मंजूरी दिखाई है, लेकिन बात आके फंसती है कि ये परिवार उतना सक्षम नहीं है कि अपने बिटिया की जिंदगी बचा पाए। दिन भर इसके जख्म से खून निकलता है, हड्डियां बाहर आ रही हैं। मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको गंभीरता का पता चले। इतनी तकलीफ के बावजूद इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी है। ये बच्ची अभी भी उस पीड़ा से लड़ रही है, मुस्कुरा रही है अपने भाइयों अपने माँ बाप को देखते हुए। अभी हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस बच्ची को इस पीड़ा से दूर किया जाए। इसके इलाज के लिए मुंबई का एक सबसे बड़ा अस्पताल जो इसमें ख्याति प्राप्त है इस तरह के सर्जरी के लिए, उन्होंने मंजूरी दी है कि पेशेंट को एडमिट लेने के लिए। हमने अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से 1,20,000 रुपए के आसपास हमने आपस में जमा किया है इस बच्ची के ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसमें जो खर्च है वो कई लाखों में है। मैं आप लोगों से आज इस ईद के पावन मौके पर एक इंसानियत के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं तो आप भी एक मदद राशि अपनी तरफ से भेजें ताकि इस बच्ची का इलाज कराया जा सके। शायद इस पवित्र दिन इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। इस बच्ची की जिंदगी बच जाएगी, इसकी जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी और उसमें से उसके चेहरे और उसके लबों से निकली हुई जो मुस्कुराहट होगी वो लाख दुआएं दे जाएगी। बस इस दुआओं के खातिर मैं इस केस पे लगा हुआ हूँ। कल इस बच्ची को एडमिट किया जाएगा और अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन किया जाएगा और वो पूरी जानकारी सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मेरी वीडियो के माध्यम से आती रहेगी। हम सबको इस बच्ची को इसके पीड़ा से दूर करना है और वापस इसे एक साधारण सी जिंदगी देनी है ताकि अपने आगामी भविष्य में ये फिर से इस तरह की दिक्कतों से न रह पाए और एक अच्छी जिंदगी जैसे आपकी बेटी और हमारी बेटी गुजारती है उसी तरह से गुजारा जा सके। मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप भी इसमें मदद करना चाहें तो आप पेटीएम, UPI, फोन पे या गूगल पे नंबर 9594394948, मैं नंबर वापस कहता हूँ 9594394948, इस पे आप भेजें ताकि इस बच्ची की मुस्कान वापस लाई जा सके। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भारत के और तमाम विश्व के मेरे लोगों को जो इस्लाम और शांति में विश्वास रखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।